साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपको गुनाह की दुनिया की खबर से रूबरू कराते हैं। आज हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां महिलाएं और युवतियां बुलंदियों का शिखर छू रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ बर्बरता करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि लड़की ही मनचलों को सबक सिखा दी। आइए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट। छेड़छाड़ करना पड़ा मनचले पर भारी, छात्रा ने मनचले को मारे 21 दंडे। छात्रा ने कई बार छेड़ने का लगाया आरोप, आरोपी को किया पुलिस के हवाले। एक तरफ सरकार महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएं चला रही है, तो वहीं पर कुछ मनचले सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। बरेली के एक मनचले की ऐसी ही हरकत सामने आई है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि लड़कियों का रास्तों पर चलना दूभर हो गया है। लेकिन बरेली में इस मनचले वाली कहानी में बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही मनचले ने इस लड़की को छेड़ा, तो लड़की ने मनचले को उसके किए की सजा दे दी। मनचले को सबक सिखाते उसे डंडों से पीट डाला। युवती की इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वो वायरल हो रहा है, जिसमें युवती युवक पर डंडे बरसाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवती ने देखते ही देखते मनचले पर लगभग एक मिनट में 21 डंडे मारे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और इसके साथ ही मनचले को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस लड़की ने बिना डरे इस मनचले को इसके किए की सजा दी। आपको बता दें कि फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि कोचिंग जाते समय आरोपी ने उसे स्कूटी से नीचे गिरा दिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए मनचले की पिटाई कर दी। बीच सड़क पर छात्रा ने युवक को 25 डंडे मारे और उसके मुंह पर भी थूक दिया। वहीं छात्रा का आरोप है कि मनचला अक्सर कोचिंग जाते समय उसे फॉलो करता था और छेड़छाड़ करता था। अगर इसी तरह से हर लड़की अपने आप को मजबूत बनाकर इन मनचलों का सामना करे, तो हमारे देश में मनचले लड़कियों की इज्जत से खेलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मनचले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जगत से जुड़ी हुई प्रदेश की ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।